खुली हुई है, इधर इसका ईसीएम बिखरा हुआ है, यहाँ पे इसका फ्यूल पंप, एयर फिल्टर, फ्यूल टैंक, सारी चीज़ें ओपन कर रखा गया है। गाड़ी का यह तीसरा दिन है। जैसे ही मैं चाबी स्विच को ऑन करूँगा, ये देखें, चाबी स्विच ऑन किया, एबीएस ब्लिंक कर रहा है, पूरा मीटर ब्लिंक कर रहा है, स्पीडोमीटर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, इंजेक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ से स्प्रे दे रहा है, यहाँ से इस जगह पे लगा इसका जो फ्यूल पंप का रिले, ये भी साउंड कर रहा है। हर जगह से आप साउंड सुन सकते हैं, इंजेक्टर का सुने ऑटोमेटिक साउंड, रिले का सुने ऑटोमेटिक साउंड, सब चीज़। और यहाँ तक कि मैं चाबी स्विच ऑन किया हूँ तो पंप चलना चाहिए, बट पंप चल नहीं रहा है। अब क्या है बड़ी समस्या, अगर आप ओडो किलोमीटर पे देखें तो हमारी गाड़ी 19,963 किलोमीटर चली हुई है, 20,000 भी हमारी गाड़ी अभी क्रॉस नहीं की है, और हर जगह से आप साउंड सुने, रिले से, इंजेक्टर से, पंप तो चल ही नहीं रहा। अब एंटर वाले बटन को हम प्रेस करेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। MIL माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप स्टेटस ऑन, क्लियर ये डिटेक्ट कर लिया कि आपका माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप जो है, एरर लाइट, वो जला हुआ है। ये मैं किस तरह से प्रॉब्लम तक पहुंचता हूँ, मल्टीमीटर को ऑटो पे सेट कर लिए हैं, रेड वाला जो प्रोब है वो इसके यहाँ पे वाइट प्लस ऑरेंज पे यहाँ पे लगा दिया मैंने, देख सकते हैं। दूसरा वायर ले जाइए इसके दोनों इग्निशन कॉइल के पास, साउंड सुने। मैकेनिक भाइयों, यह है NS160 BS6। आप गाड़ी के पहले कंडीशन को देखिए, और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप पूरी कंडीशन को देख लें, जिस तरह से गाड़ी खुली हुई है, इधर इसका ईसीएम बिखरा हुआ है, यहाँ पे इसका फ्यूल पंप, एयर फिल्टर, फ्यूल टैंक, सारी चीज़ें ओपन कर रखा गया है। गाड़ी का यह तीसरा दिन है, दो दिन से गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी थी, आज मैं आया हूँ। और आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा, मैं जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगा एकदम सच्चाई के साथ दिखाऊंगा, लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद मैं किलोमीटर दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हेल्पफुल होगी। आप सभी को पता होगा कि मेरी जो वीडियो होती है ऑलमोस्ट ज़्यादातर गाड़ियाँ जो होती है BS6 की होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो आपके साथ लाता रहूं। तो मैंने क्या बताया कि गाड़ी दो दिन से खड़ी है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं चाबी स्विच को ऑन करूंगा, ये देखें, चाबी स्विच ऑन किया, एबीएस ब्लिंक कर रहा है, पूरा मीटर ब्लिंक कर रहा है, स्पीडोमीटर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, इंजेक्टर ऑटोमेटिकली यहां से स्प्रे दे रहा है, यहां से इस जगह पे लगा इसका जो फ्यूल पंप का रिले, ये भी साउंड कर रहा है। हर जगह से आप साउंड सुन सकते हैं, इंजेक्टर का सुने ऑटोमेटिक साउंड, रिले का सुने ऑटोमेटिक साउंड, सब चीज़। और यहाँ तक कि मैं चाबी स्विच ऑन किया हूँ तो पंप चलना चाहिए, बट पंप चल नहीं रहा है। अब क्या है बड़ी समस्या, अगर आप ओडो किलोमीटर पे देखें तो हमारी गाड़ी 19,963 किलोमीटर चली हुई है, 20,000 भी हमारी गाड़ी अभी क्रॉस नहीं की है, और हर जगह से आप साउंड सुने, रिले से, इंजेक्टर से, पंप तो चल ही नहीं रहा। और इसके अंदर एक और समस्या ऐसी है कि जैसे मैं इसके किक या सेल्फ का उपयोग करूं तो यहां पे लगा जो 15 एम्पेयर का फ्यूज है ऑटोमेटिकली चला जाता है। चलिए मैं अच्छे से फोकस करके आपको बताता हूं कि बड़ी समस्या क्या है और कैसे हम लोग सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। देखिए, एक प्रॉब्लम तो आपने देखा कि चाबी स्विच ऑन करते ही सारी चीज़ें डायरेक्ट हो जाता है। दूसरा ये कि जैसे मैं इसके सेल्फ या किक का उपयोग करूं, यहाँ पे जो एक फ्यूज लगा हुआ फ्यूल पंप रिले प्लस HT कॉइल, ये फ्यूज बार बार चला जाता है। इतनी बार इसे ओपन किया गया, आप देख सकते हैं इसका कंडीशन, और इसे नया नहीं लगाया गया क्योंकि बार बार ये ख़राब होता है, इसको वायर के थ्रू डायरेक्ट किया गया है, अभी यह फ्यूज डायरेक्ट है। अब चलिए मैं किक का उपयोग करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये लाइव भी फ्यूज चला जाएगा। चलिए किक का उपयोग कीजिए, देखिए सिंगल किक का उपयोग किया, अब अभी इसका फ्यूज आपको हम ओपन करके दिखाते हैं लाइव की, इसका फ्यूज अभी उड़ गया होगा, यानी वायर जो डायरेक्ट किए थे वो कट गया होगा, क्योंकि बार बार नया फ्यूज लगाना एक तरह से बेवकूफ़ी है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं, निकालिए अच्छे से, दिखाइए इसको, ये देखें जो वायर डायरेक्ट किया था वो कट गया और ये फ्यूज पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ से टेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। प्रॉब्लम तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि चाबी स्विच ऑन करूँ तो इंजेक्टर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट,
फ्यूल पंप और एचटी कॉइल का रिले डायरेक्ट, और उसके साथ साथ जैसे मैं किक या सेल्फ का उपयोग करूं तो फ्यूज ऑटोमेटिकली चला जा रहा है। बड़ी समस्या है, और एक साथ जब इतने सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करें तो सीधा जो प्रॉब्लम जाता है वो इसके ईसीएम की ओर जाता है कि ईसीएम ख़राब हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए सबसे पहला जो काम रहेगा इसके अंदर ओबीडी स्कैनर का उपयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी हम बॉश टूल का यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि बॉश टूल ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम को फाइंड नहीं कर पाता इन कंपेयर टू आफ्टर मार्केट स्कैनर। तो चलिए मैं इसके अंदर एक बाहर का स्कैनर लगाता हूं ताकि आप सभी आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों को अपने स्कैनर से यूज करके प्रॉब्लम तक पहुंचने में आसानी हो। तो बैक साइड इसका डीएलसी डेटा लिंक कनेक्टर लगा हुआ है। चलिए मैं इसके अंदर ओबीडी असेंबल करता हूं और देखते हैं कि क्या ओबीडी पता कर पाता है कि नहीं, कि इसके अंदर खराबी कहां है, क्योंकि काफी सारे जगहों से इसका वायरिंग कट देखने को मिल रहा है। ओबीडी स्कैनर लगाने से पहले यहाँ पे जो इसका केबल आता है बजाज का, इस जगह पे बजाज प्लस केटीएम रेड कलर का, इसे हम ऐड कर देंगे, लगा दिए। और इसके अंदर स्कैनर का उपयोग करेंगे हम मल्टीपर्पज़ के लिए, V311 का डिजिटल स्कैनर। चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जो भी रहेगा लाइव दिखाते चलेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। अभी कुछ भी पता नहीं, फर्स्ट टाइम अभी हाथ डाला हूँ इसमें, लेकिन प्रॉब्लम इसका सल्यूशन निकालेंगे ज़रूर। ये स्कैनर मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको इस कनेक्शन पे यहाँ पे केबल में ऐड कर देंगे, और जैसे ही केबल में ऐड करेंगे देखें स्क्रीन ऑन हो गया है। अब एंटर वाले बटन को हम प्रेस करेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। MIL माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप स्टेटस ऑन, क्लियर ये डिटेक्ट कर लिया कि आपका माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप जो है एरर लाइट वो जला हुआ है। एंटर वाले बटन को प्रेस कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शन हैं, रीड कोड, एरेज कोड, उसके बाद यहाँ डेटा स्ट्रीम, फ्रीज फ्रेम, वोल्टेज टेस्ट, व्हीकल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ नॉर्मल स्टेप में हमें जो है रीड कोड के ऊपर टच करना है। रीड कोड के ऊपर टच करेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, करंट डीटीसी, पेंडिंग डीटीसी, परमानेंट डीटीसी। हमें करंट फॉल्ट चाहिए, अभी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है वो बताइए, बाद का बाद में देखेंगे। तो करंट फॉल्ट को चेक करेंगे, प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, P0651 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज बी सर्किट ओपन, पहला फॉल्ट, 9 फॉल्ट जनरेट हुआ है मैकेनिक भाइयों देखें, और पेंडिंग नहीं करंट, यानी अभी भी गाड़ी में ये प्रॉब्लम अवेलेबल है। दूसरे स्टेप में जाएंगे, सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ए सर्किट ओपन। तीसरे स्टेप में जाएंगे, माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप कंट्रोल ए सर्किट, यानी चेक लाइट। चौथे स्टेप में जाएंगे, आइडल एयर कंट्रोल। पाँचवें स्टेप में जाएंगे, आइडल एयर कंट्रोल। छठे स्टेप में जाएंगे, क्रैंकशाफ्ट पोजिशन सेंसर। सातवें में जाएंगे, फ्यूल पंप ए कंट्रोल सर्किट ओपन, फ्यूल पंप ओपन किया हूं। तीसरे स्टेप में सिर्फ कोड है P1502। नाइनवें स्टेप में, इंजेक्टर सर्किट ओपन। तो आप समझ सकते हैं जितने सारे चीज़ें मैंने ओपन किया है टेस्टिंग को लेकर, उन सारे चीज़ों का फॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, बट कोई भी ऐसा फॉल्ट शॉर्ट सर्किट को लेकर नहीं है। फर्स्ट स्टेप में एक ओपन सर्किट का था, वो मैं आपको दिखा दूँ, फिर इसके टेस्टिंग प्रोसेस को आगे बताएंगे। यानी स्कैनर भी वो सारे चीज़ों को रीड कर रहा है जो हमारे सारी चीज़ें ओपन है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि स्कैनर ये बता दिया कि आपकी गाड़ी का जो यहाँ पर लगा ECM है ये परफेक्ट है। अगर ECM खराब होता तो इससे हमारा स्कैनर कनेक्ट नहीं होता, बट स्कैनर कनेक्ट हो रहा है, यानी ECM सही है। तो हम यहां पे थे इस जगह पे, सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ए सर्किट ओपन, रेफरेंस वोल्टेज के लिए सर्किट ओपन था, सेंसर रेफरेंस वोल्टेज बी सर्किट ओपन, फ्यूल पंप के लिए जो मैंने ओपन किया था ये सारी चीज। चलिए मैं इसे हम रिफ्रेश कर लेता हूं एग्जिट जाने के बाद, और उसके बाद हम इसका जो है एरेज कोड के ऊपर जाएंगे, एग्जिट यहां से ले लेते हैं और कोड को एरेज करके फिर टेस्टिंग प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। एरेज कोड के ऊपर जाएंगे, एंटर कर देंगे, क्लियर, इमिशन रिलेटेड डायग्नोसन इन्फॉर्मेशन हैज बीन क्लियरड, सारी चीज़ें क्लियर हो गया है, मीटर से चेक लाइट भी चला गया है। अब चलिए मैं टेस्टिंग प्रोसेस बताता हूँ। स्कैनर लगाने के बाद ये पता चल गया कि हमारी गाड़ी में यहाँ पे लगा जो ECM है यह एकदम परफेक्ट है और सारी चीज़ों को वर्क करवा रहा है। अब ये हम समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से हो रहा है। तो यह रिले हमारा जो है पूरी तरह से डायरेक्ट हो जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो 15 एम्पेयर का फ्यूज है, फ्यूल पंप रिले प्लस HT कॉइल का, ये शॉर्ट हो रहा है, और यहाँ पे लगा इंजेक्टर डायरेक्ट हो रहा है। देखिए मैं किस तरह से प्रॉब्लम तक पहुँचता हूँ। यहाँ पे देखें जो रिले के अंदर वायर है, इस चीज़ को हम समझिए पहले मैकेनिक भाइयों, यहाँ पे एक वायर है वाइट
प्लस ऑरेंज कलर। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से जा रहा है, वो चीज़ शॉर्ट हो सकता है क्योंकि ये रिले डायरेक्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट क्यों होता है कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसके रिलेटेड कहीं वायरिंग शॉर्ट हो रहा है। तो ये जो वायर है वाइट प्लस ऑरेंज कलर का, वो जा रहा है यहाँ पे एक राइट हैंड साइड इग्निशन कॉइल और एक लेफ्ट हैंड साइड इग्निशन कॉइल। तो हम ये चेक करेंगे कि दोनों तक वायरिंग बीच में से जो आ रहा है वो कहीं से कटा तो नहीं, कहीं से शॉर्ट तो नहीं, और साथ ही साथ इसे डिस्कनेक्ट करके भी चेक करेंगे। हो सकता है इसका इग्निशन कॉइल ही शॉर्ट कर रहा हो। शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए हम ब्रांड न्यू यहाँ पे मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। चलिए मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। और जितने सारे मेरे ये सारे यूनिट देख रहे हैं, कुछ भी आपको चाहिए रहेगा, डिजिटल स्कैनर हो, केबल हो, कंटिन्यूटी टेस्टर हो, मल्टीमीटर हो, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए ना, आपको आपके गैराज को प्रोफेशनल बनाने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए टेस्टिंग प्रोसेस में उपयोग करता हूँ इस डिजिटल स्कैनर के थ्रू। मल्टीमीटर को ऑटो पे सेट कर लिए हैं। रेड वाला जो प्रोब है वो इसके यहाँ पे वाइट प्लस ऑरेंज पे यहाँ पे लगा दिया मैंने, देख सकते हैं। दूसरा वायर ले जाइए इसके दोनों इग्निशन कॉइल के पास, साउंड सुने, परफेक्ट है। चलिए दूसरे वाले इग्निशन कॉइल पर, परफेक्ट है। चलिए लगा दीजिए दोनों कनेक्शन को। दोनों में बीप बज रहा है, कंटिन्यूटी मोड एकदम परफेक्ट है, यानी वाइट प्लस ऑरेंज कलर का जो वायर है, या कह सकते हैं ऑरेंज प्लस वाइट कलर का, ये वायर एकदम परफेक्ट है। चलिए दूसरे यूनिट को हम चेक करते हैं। तो दूसरा जो वायर है क्या है, ग्रे प्लस पिंक कलर। ग्रे प्लस पिंक कलर वायरिंग डायग्राम में जो दिखा रहा है वो जा रहा है टर्मिनेशन यूनिट के पास। तो ये इस गाड़ी का टर्मिनेशन यूनिट है। तो इस कपलर को हम ओपन करके इसका भी बीप चेक करेंगे कि यहाँ तक सही से सिग्नल आ रहा है कि नहीं। चलिए टर्मिनेशन यूनिट को ओपन कर लेते हैं। टर्मिनेशन यूनिट का क्या काम है, कहाँ लगा होता है, कैसे वर्क करता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल के ऊपर देख सकते हैं। चलिए बीप मोड पे सेट कीजिए वायर का, दूसरे नंबर पे होगा, इस पे डालिए। बीप मोड पे, बीप मोड, बीप बजेगा इसके अंदर। देखिए वायरिंग का गुच्छा ही इस तरह से बना हुआ और कवर किया हुआ है ना, वायरिंग पता ना चल पाता है। तो पिंक कलर का और ग्रे कलर का नीचे वाला वायर है। चलिए बीप बजा दीजिए एक बार ताकि क्लियर हो जाए। बीप बज रहा है, ये भी कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। चलिए बीप बीच वाला कनेक्शन लीजिए। ये देखिए ये कनेक्शन आपका है बीच वाला ऑरेंज प्लस कौन सा कलर है, ब्लू कलर। ये देखें ऑरेंज प्लस एकदम लाइट ब्लू है, लाइनिंग सा लगा हुआ। ये कलर कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है ट्रांसिल यूनिट। नाम आप समझिए, पार्ट नंबर आप समझिए, वहाँ से मत ऐड कीजिए। चलिए कपलर कनेक्शन को निकालिए। ट्रांसिल यूनिट, ये नाम क्या है इसका, ट्रांसिल यूनिट। और यहाँ पे जो मैंने लगाया था ये चीज़ क्या है, टर्मिनेशन यूनिट। दोनों का अलग अलग काम है, अलग अलग नाम है। इसको मैंने चेक कर लिया, परफेक्ट है। चलिए यहाँ तक बीप आप देखिए कि यहाँ तक कनेक्शन सही से आ रहा है कि नहीं। बीप एकदम परफेक्ट आ रहा है, यानी कलर कोड जितने भी वायरिंग का मैं देखूं एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के ओर बढ़ेंगे और क्या टेस्टिंग करेंगे, इस रिले को इस रिले से फेर बदल करेंगे, इस रिले को इस रिले से फेर बदल करेंगे, या दूसरा रिले ऐड करेंगे और देखेंगे सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। तो अभी जो रिले शॉर्ट कर रहा है इस रिले को हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए इसे निकाल के दूसरा रिले ऐड कीजिए। इग्निशन रिले मैं वहाँ से निकाल दिया हूँ, दूसरा रिले ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर दिया है। अब ये देखेंगे कि जब भी हम चाबी स्विच ऑन करते हैं तो पंप के पास पंप को वर्क करने के लिए इनपुट 12 वोल्ट का वोल्टेज आता है या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीटर को मैंने ऑटो पे सेट कर रखा है, मल्टीमीटर को हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके अंदर अभी इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। इनपुट वोल्टेज जो आता है वो इसके ग्रीन प्लस ब्लैक वाले वायर में आता है। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये इसके ECM से सिग्नल के लिए आता है जब पंप को चलवाना हो। चलिए इसके अंदर एक वायर का टुकड़ा ऐड करते हैं और डायरेक्ट DC सप्लाई चेक करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ग्रीन प्लस ब्लैक में, और ये जो वायर है इसको हम पॉजिटिव यहाँ पर ऐड कर देंगे और चाबी स्विच को ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे। इसे हम ग्राउंड देते हैं, यहाँ से ग्राउंड दे दिए, वोल्टेज ऐड कर दिए। चलिए चाबी स्विच ऑन कीजिए, नो वोल्टेज, वोल्टेज है ही नहीं इसके अंदर। चलिए फिर से ऑफ करके ऑन कीजिए, एक बार ऑन कीजिए फिर से, वोल्टेज नहीं है। तो पता चल रहा है कि कहीं ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसका शॉर्ट है। अब हम लोग ने इसकी सारी टेस्टिंग कर लिया, वायरिंग परफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की टेस्टिंग करने के लिए एक रिले ऐड किया। अब इसके अंदर जो बचा है वो है इसका टर्मिनेशन यूनिट और इसका है ट्रांसिल यूनिट।
तो मैकेनिक भाइयों ऑलमोस्ट सारे चीज़ें डन हो चुका है। इसके अंदर मेन जो फॉल्टी था ट्रांसिल यूनिट, आप समझ सकते हैं इसका पार्ट नंबर अगर देखें तो ट्रांसिल यूनिट अगर देखें इस तरह से है और यहाँ पे लगा होता है ट्रांसिल यूनिट। अब चलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अभी हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ट्रांसिल यूनिट के साथ साथ इसका फ्यूज भी ऐड कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर और प्राइस देख सकते हैं। नया फ्यूज 7.5 एम्पियर का जो रेगुलर जा रहा था इसे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन निकाल चुके हैं ट्रांसिल यूनिट से जो प्रॉब्लम था। अब चलिए इसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी सारी चीज़ें इसका मैंने ऐड कर दिया है, अब मैं इसका चाबी स्विच ऑन कर लेता हूँ। देखिए चाबी स्विच ऑन किया हूँ, अभी कोई भी इधर से साउंड नहीं है, आप खुद सुन पा रहे होंगे कोई भी साउंड नहीं, क्योंकि जो मेन शॉर्ट सर्किट था ट्रांसिल यूनिट चेकलाइट है मीटर में। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बैटरी डिस्चार्ज है, किक का उपयोग करेंगे, सिंगल किक में गाड़ी स्टार्ट है, मीटर में कोई चेकलाइट नहीं। थ्रोटल खींच के दिखा दूँ, तो एक छोटे से यूनिट से इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आप याद रखें, हमेशा ध्यान रखें। जब भी आपके पास गैराज में गाड़ी आए तो आप कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक चीज़ें मिली हो, हेल्पफुल जानकारियां मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।